थ्रूपुट एक्सरसाइज सी लॉगरिथम का लघुगणक का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 में दिया हुआ है, 11 नंबर में 0.0275 इंटू ब्रैकेट में 9.207 पावर में 2, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, फिर हम लेते हैं माना वाई बराबर लेट वाई इज इक्वल टू 0.0275 इंटू 9.207 पावर में 2, ठीक है। फिर हम लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। वाई का क्या हो जाएगा, लॉग वाई, यहाँ पे हम लोग लॉग लिख के इसको ब्रैकेट में 0.0275 इंटू 9.207 पावर में 2, अरे बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, दिख रहा है ब्रैकेट, लॉग वाई का लॉग वाई, लॉग अंदर जाए तो लॉग 0.0275 इंटू है तो प्लस हो जाता है, ये जो पावर में है ना वो सामने जाता है 2 लॉग 9.207, ठीक है। अब हमको लॉग टेबल देखना, 27 का 5, 92 का 07, ठीक है। लॉग वाई इज इक्वल टू, ठीक है, डेसिमल से पहले 0 है, 2 0 तो सीधा लिख देते हैं बार 2, ठीक है। मैं बताया था दशमलव के, देख दशमलव के पहले वाला 0 का मतलब नहीं होता, दशमलव के बाद वाला 0 का मतलब होता है, दशमलव के बाद 0 मतलब वो -1 है, वो क्या है -1, और हम लोग क्या फॉर्मूला क्या होता है, n-1 ऑलरेडी माइनस में, इसमें एक माइनस कर क्या हो जाएगा -2, इसलिए बार 2 लिख दिए। 27 का 5 कितना है, 0.4393 ना, 4393 प्लस का प्लस 2 का 2 लॉग मल्टीप्लाई 92 का 07, बयानवे का 0 है 9638, इसका मिन डिफरेंस 7 देखें तो 3 है, तो 9638 में 9638 ना तो 9641 हो जाएगा, तो दशमलव पहले एक संख्या है तो 0, ठीक है। अब इसको हम लोग बार है तो उसको तोड़ते हैं, -2 प्लस 0.4393 में, ठीक है। अब इसका 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, 2 से गुणा करेंगे तो 2 का है ना 2 इंटू 0.9641, 2 का इसके साथ गुणा किए तो हमारा आ गया ये 1.9282। देखो फिर से बता रहा हूँ, ये पावर में 2 था जब लॉग लगा यहाँ पे तो गुणा था तो प्लस 2 ये सामने था, 2 यहाँ सामने लगा दिए जो पावर में था सामने, फिर लॉग लिखे 2 को 2 लिखे, लॉग का वैल्यू निकाले तो ये आया, और यहाँ पे गुणा का साइन डाल दिया ना, क्योंकि दोनों के बीच में गुणा हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको से मल्टीप्लाई तो ये आ गया, ठीक है। क्योंकि हमारा लॉग वाई, लॉग वाई इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें इसको घटा दो, कल कैलकुलेटर में इसको लो, फिर इसको 2 को घटा दो तो आएगा -1.5607, ठीक है, प्लस 1.9282, इसको प्लस वाले पहले लेना उसमें से फिर माइनस कर देना तो आपका आंसर आएगा, चलो मेरे पास पहले से टाइप है ये कैलकुलेटर में, यार डिजिट इसमें से माइनस है तो -1.5607 आ जाएगा मेरा 0.3675, ये आ गया मेरा लॉग वाई इज इक्वल टू, अब वहाँ से लॉग हटता है तो क्या लग जाता है, एंटी लॉग, ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू लॉग हटा यहाँ पे तो लग गया एंटी लॉग 0.3675, और एंटी लॉग देखेंगे 0.36 का, 0.36 है ना डेसिमल 36 का 7 मिन डिफरेंस 5 देखेंगे, ठीक है, 0.36 का 7 देखेंगे तो 2328 आ रहा है ना, 237 है ना, 28 आ रहा है, मिन डिफरेंस का 5 देखेंगे 5 तो 5 का आ रहा है 3, ऐड करेंगे तो आएगा 2331। अब यहाँ पे क्या हमारा 0 है तो एक संख्या के बाद हमारा दशमलव, ठीक है,
दस, यहाँ जीरो है तो एक संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट आंसर, ठीक है। 11 ना, अब हम लोग बनाएंगे 12। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखना आप लोग, ठीक है। 14, चौदह में दिया हुआ आपका रूट है ना, ये 5 है यहाँ पे, 235 7, ठीक है। यहाँ पे जैसे कुछ लेते तो 2 रहता है, पर यहाँ पे आपको 5 दिया हुआ है, 235.7 दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी में माना y बराबर, इंग्लिश में लेट y इज इक्वल टू 235.7, और ये जहाँ 5 रहता है तो 1/5, 3 रहता है तो 1/3, 1/3 कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे 2 मानते हैं, इसको 1/2 लिखते हैं, ठीक है। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख लेना आप लोग, y का क्या हो जाएगा, लॉग y 1/5 है ना, लॉग 235.7 पावर में 1/5, 1/5 जो है सामने आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू 1/5 सामने, 1/5 लॉग 235.7, ये जो लॉग तो सामने लग गया, लॉग y इज इक्वल टू 1/5 इंटू, दशमलव से पहले 3 संख्या है तो एक कम करेंगे तो 2, 23 का 5 मेन डिफरेंस 7 देखना है, ठीक है। 23 का 5 मेन डिफरेंस 7, तो हम लोग देखें 23 का 5 देखें तो 37 11 आया, इसका मेन डिफरेंस 7 देखें तो 13 है, जोड़ दो क्या जाएगा 37 24, 37 2 4। अब इसको आप 5 से भाग दे दो, मतलब 5 से डिवाइड कर देते, ठीक है, डिवाइड बाय 5, फिर से 2.3724 डिवाइड बाई 5, ये आ गया आपका लॉग y इक्वल टू 0.47448। अब यहाँ से लॉग हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, एंटी लॉग, 47 का 4 देखो, लॉग हटाया एंटी लॉग 0.47448, 0.47 का 47 का आएगा 4, 2979, मेन डिफरेंस 4 देख सकते हो या 5 देख सकते हो, जो भी है मेन डिफरेंस इसका 4 3 है, हाँ 3 मेन 3 है ना, 3 जोड़ दो जाएगा 2982, ठीक है। मैं इसका 5 भी देख सकता, क्योंकि इसके बाजू में 8 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5 हो जाएगा ये, ठीक है, 5 भी देख सकते चल जाता, 5 में भी 3 है ना, ठीक है। अब यहाँ 0 देख संख्या के बाद दशमलव, ठीक है, 2982, वैसे बुक में यही आंसर आ रहा है 2982, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक माइनस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 नंबर है हमारा 0.46, क्या है 8931 माइनस 4 दिया हुआ पावर में, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे इसको, माना वाई बराबर लेट y इज इक्वल टू 0.8931 पावर में माइनस 4, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये लिखने के बाद लॉग y इक्वल टू माइनस 4 जो है सामने, चलो पहले लॉग लिख देते हैं, लॉग, ठीक है, लॉग 0.8931 पावर में माइनस 4, ठीक है, लॉग y इज इक्वल टू ये माइनस 4 जो है सामने आ जाएगा, माइनस 4 लॉग 0.8931 माइनस 4 का माइनस 4, चलो लॉग टेबल देते हैं, दशमलव के पहले एक 0 है तो बार 1, 89 का 3 1 देखो, 89 का 3 देखो, 89 का 3 देखो आप लोग, 89 का 3 देखेंगे तो आ जाएगा हमारा 9509, मीन डिफरेंस 1 देखो 0 है,
जीरो जोड़ते इतना ही आएगा 9509, ठीक है। ये माइनस फोर है, इसको तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, माइनस वन प्लस 0.9509। देखो बार को ऐसे तोड़ते हैं हम लोग, इधर वाले का माइनस में, इधर वाले प्लस में। अब इसमें से इसको घटाएंगे, कि इसमें से इसको घटा दो, जो भी है माइनस फोर यहाँ पे आएगा माइनस 0.0491 आएगा। इसमें से घटा दो या फिर माइनस वन लेके इसमें घटा दो आ जाएगा। अभी माइनस माइनस गुणा कर दो आप, 0.0491 × 4 1964 आ गया आंसर। ये आ जाएगा मेरा log इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इसका इससे गुणा किए तो 0.0091964। अब यहाँ से log हटाएंगे यहाँ पे एंटी log। चलो देख लो, 19 का 64, 19 का 64, 0.1964, 1570 आएगा। 19.19 का 6 देखें तो 1570, 4 का 1 दिया है तो आ गया 1571 या 0 तक संख्या के बाद दशमलव, ठीक है। तो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 15 देखना आप, 0.4627 पावर में 1/3। क्वेश्चन नंबर 15, 0.4627 इसे पावर में 1/3। इसका लॉग टेबल देख रहे हो, 0.46 का 2/7, ठीक है। सबसे पहले हम लोग माना y बराबर, लेट y इक्वल टू 0.4627 पावर में 1/3, ठीक है। फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड इक्वल टू y का हो जाएगा हमारा log y, और ये हो जाएगा log 0.4627 इसके पावर में 1/3। अब 1/3 जो है सामने आ जाएगा, 1/3 log 0.4627, ये log y कितना आया इसका log, 46 का 2 है 66 46। हमको देखना है 46 का 2, 7 का 7 ना, 46 का 2 देखे तो इतना आया, 4 6 6 4 6, इसका 7 देखे तो इतना आ गया, ठीक है। 6 6 7 13 8 5 6 6, चलो ठीक है। एंटी लॉग है ये, अभी एंटी लॉग मेन डिफरेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे जीरो लगा है, दशमलव पर एक जीरो लगा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बार वन। 46 का 6 7 देखे तो 6 6 5 3 आ गया। अब बार को तोड़ देते हैं हम लोग, है ना, 1/3 बार को तोड़ेंगे तो माइनस वन प्लस 0.6653। नहीं अभी नहीं कटेगा, इसमें से कुछ घटाएंगे पहले, तो 3 से भाग जाएगा ना ये, तो log y इक्वल टू 1/3। अभी पहले प्लस वाला कैलकुलेटर मिलेंगे, इसमें से एक को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा माइनस 0.3347 आएगा। अब इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, चल रहा है पेन, log y इज इक्वल टू, तो 3 से डिवाइड करूँगा तो माइनस प्लस माइनस, इसको मैं 1 से गुणा करके 3 से डिवाइड करूँ, 0.111566 आते जाएगा, वो आते जाएगा 667 कर देते हैं, ठीक है। अभी माइनस में है, ठीक है, कितने रहने देते हैं, 2 डिजिट ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है, 667। अभी माइनस में है तो माइनस वाले को प्लस करने के लिए क्या करते हैं पता है ना आप लोग को, टेकिंग माइनस वन प्लस वन लेते हैं, माइनस वन प्लस वन लेते हैं बीच में, माइनस वन प्लस वन, तो log y का हो जाता है log y का y, यहाँ पे जो आपका माइनस 0.111567 जो है, इस बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, इसके बीच में यहाँ पे माइनस वन प्लस वन लगा देते हैं, ठीक है। log y का y रहेगा, माइनस वन का माइनस वन रहेगा, इस एक में से इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा आंसर 0.88884333 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जमा देते हैं y इक्वल टू, इसको मैं बार के रूप में जमा देता हूँ, दशमलव के पहले वाला प्लस में, इधर वाला माइनस में, तो बार 1.88888
8884333। अब यहाँ से लॉग हटेगा, यहाँ पे एंटी लॉग 0.88 का 43 देख लो, 88 का 84 देख लो, एंटी लॉग 88 का 84 हाँ 88 का 84 बार बार वन है, यहाँ पे 0.88 का कितना सर, 88 का 84 y इक्वल टू 77 27। 88 का 8 देखेंगे एंटी लॉग 77 27। अब मेन डिफरेंस अगर 4 देखते हैं तो 4 का है 7, ऐड कर देते हैं 77 7734। ठीक है, यहाँ बार वन है तो 0। ये हमारा आंसर, एक बार चेक करें तो आंसर आया कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 में दिए 0.3125 पावर 2 प्लस, ठीक है डिवाइड है ना ये, ठीक है डिवाइड 0.4627 पावर 1/3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 0.3125 पावर 2 डिवाइड 0.4627 पावर 1/3। ठीक है, माना वाई बराबर लेट वाई इक्वल टू 0.3125 पावर 2 डिवाइड बाई 0.4627 पावर 1/3। ठीक, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो वाई क्या हो जाएगा हमारा, लॉग वाई। ठीक है, फिर यहाँ लॉग लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट में 0.3125 पावर 2 डिवाइड बाई 0.4627 पावर 1/3। लॉग वाई इक्वल टू, लॉग अंदर लगाएंगे इसका जाएगा, चलो एक शब्द थोड़ा और अच्छे से डिटेल में लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा लॉग छूट गया था, लॉग ये लिखे अरे ब्रैकेट के बाहर में और में टू डिवाइड है तो माइनस, डिवाइड के साथ है तो माइनस लॉग 0.4627 पावर 1/3। अभी फॉर्म जो 1/3 लॉग के सामने, इधर टू जो है लॉग के सामने आ जाएगा। ठीक है, लॉग y इक्वल टू, टू सामने आ जाए तो टू लॉग 0.3125 माइनस 1/3 सामने तो 1/3 लॉग 0.4627। चलो लॉग टेबल देख लेते हैं हम लोग, लॉग y इक्वल टू टू का टू इन टू। ठीक है, यहाँ दशमलव पहले 0 है तो बार 1 31 का 31 का 2 मीन डिफरेंस 5 देखो। ठीक है, माइनस 1/3 का 1/3 इन टू दशमलव पहले 0 तो बार 1। ठीक है, तो देखना 46 का 2 मीन डिफरेंस 7 देखना है, इसे देखना है 31 का 2 मीन डिफरेंस 5। 31 का 2 देखें तो 4942। अब मेन डिफरेंस ना 5 का देखेंगे तो 7 है ना, जोड़ देंगे तो 4949 आ जाएगा। अब इसका 46 का 27 6646 7 देखेंगे तो डबल है ना, 7 जोड़ देंगे तो 6653 आ जाएगा। ठीक है, 6653 आ गया। ठीक है, अब इसे देखना आप लोग, ये लॉग y इज इक्वल टू 2, इसको हम लोग ब्रैकेट में लेंगे माइनस 1, इस देखो कैसे लेते हैं इसको ना, तो माइनस 1 प्लस 0.4949। ठीक है, दशमलव पहले माइनस में, इधर अलग हो प्लस में, फिर माइनस का माइनस 1/3 बार है तो माइनस 1 प्लस 0.6653, इधर अलग माइनस में, इधर अलग प्लस में। ठीक है, लॉग y इक्वल टू, ये तो मल्टीप्लाई कर सकती है, फिर पहले प्लस माइनस कर लो, इसमें से इसको घटाएंगे, इधर वाला को प्लस करके। ठीक है, 0.5051
ठीक, माइनस 1/3 इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना, ये माइनस में तो माइनस 0.3347 ठीक है। अब इसको आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 से भाग दो इसको, 1 से गुणा कर 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड कर दो बस, ठीक है। एक से गुणा ना, नहीं ज़रूरत नहीं है, वो 1 से गुणा कर तो वही आएगा, ठीक है। जैसे इसको हम लोग 2 से गुणा करें तो 2 एक कम 2 हो गया, 2 पंच 10 का 0, 1 का 1, ठीक है। 2 5 10 गया, 2 5 10 1.10 ठीक है। बाहर माइनस है तो माइनस का साइन, जैसे माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर 3 से डिवाइड करें तो आएगा 0.111 15 अरे 66 आएगा, ठीक है। 667 हो गया। अब एक माइनस में एक प्लस में, ठीक है। तो प्लस वाला इधर कैलकुलेटर में टाइप है मेरा, है ना, ये माइनस वाला दबा दे तो माइनस 1.01012 10012 कर दिया था ना, हाँ गलत कर दिया, हाँ ये 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरा इक्वल टू में माइनस 0.898633 है, मतलब चलो इतना रहने दो। अभी माइनस में आ गया तो उसको प्लस में बदलने के लिए क्या करते हैं, माइनस 1 प्लस 1 लेते हैं, टेकिंग माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ क्या था, पहले से लॉग वाई था, लॉग वाई यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 लगा दूंगा मैं इसके सामने में, और यहाँ लिख दिया माइनस 0.89863। इतना समझ में आया आप लोग को। हम लोग क्या किए, इसके सामने में माइनस 1 प्लस 1 लगा दिए, ठीक है। अब लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस 1 का माइनस 1 रहने दो, इस एक में से इसको घटा दो आप लोग, है ना, क्या आएगा 0.10137 आएगा। और उसको जब मैं बार में कन्वर्ट करूँगा तो बार 1 है ना, बार 1.10137 इधर वाला बार में, 10 बाकी 10 वाला इधर, ठीक है। ये हो गया लॉग वाई। अब मैं यहाँ से लॉग हटाऊंगा तो यहाँ क्या लगेगा, एंटी लॉग, और आप लोग देख लो 10.10 का 1/3 देख लो, बार 1.10137 वाई इक्वल टू, ठीक है, 10 का 1 देखेंगे तो 12/62 है ना, 1262, उसमें 3 का देखें तो 1 आ रहा है, तो 1262 की जगह में 1263 आ जाएगा, 1263, ठीक है। यहाँ बार है तो बार 1 है तो 10 सामने में, यह आंसर हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 22 बनाते हैं हम लोग, 7.62 पावर 2/3 है ना। क्वेश्चन नंबर 22, 7.62 पावर में 2/3, ठीक है। फिर उसके बाद है 2/3 अंडर रूट में, रूट में 0.347, ठीक है। यहाँ पहले मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे आपका 2/3, फिर ये रूट 0.347। अब हम लोग उसको लिख देते हैं लेट वाई इज इक्वल टू, ठीक है, 7.62 पावर में 2/3 इंटू रूट 2/3 यहाँ पे 0.347, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो y का y हो गया और लॉग y हो गया, ये लॉग करके इसको ब्रैकेट में 7.62 पावर में 2/3 इंटू, इसको तोड़ेंगे अगर हम लोग रूट को हटाएंगे 0.347। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1/2 लिखते, यहाँ पर सिर्फ अगर 5 है तो 1/5 उल्टा लिखते, या 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा अपोजिट, ठीक है, ऊपर नीचे लिख देते हैं 2/3 तो अपोजिट हो जाता है, जैसे 5 रहता तो 1/5, ठीक है, अपोजिट रहता है। लॉग वाई इक्वल टू, अब लॉग अंदर लगाएंगे तो 2/3 लॉग पावर में सामने आ गया 7.62, जो गुणा है वो प्लस 3/2 सामने, 3/2 लॉग 0.347, ठीक है। चलो देखते हैं, लॉग निकाल लो आप लोग, 76 का 2 देख लो,
76 का 2 दशमलव पहले एक संख्या है तो 0 76 का 2 देखो ये आ गया हमारा 8820 प्लस 3/2 इंटू दशमलव पहले 0 तो 12 1 ठीक है 34 का 7 देखना है 34 का 7 है तो 5403 ठीक है। अब इसको 2 से गुणा करो 3 से डिवाइड कर दो इसको करो 3/2 का 3/2 इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 12 को 12 माइनस है ना इसको 12 वाले को माइनस 1 प्लस 0.5403 लॉग वाई इक्वल टू कितना है ये 2 से मल्टीप्लाई किया 3 से डिवाइड किया तो ठीक है फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0.8820 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 ये आ गया आपका 0.588 इंटू 3/2 अब इसको प्लस वाले लो उसमें से 1 को माइनस का तो माइनस 0.4597 अब इसको 3 से गुणा करके 2 से डिवाइड कर दो ठीक है माइनस 4597 इंटू 3/2 यह जाएगा आपका log y इक्वल टू 0.588 प्लस माइनस माइनस में यह जगह मेरा 0.6895 अब इस कैलकुलेटर मेरा माइनस में ऑलरेडी यहाँ पे है तो 0.588 करूँगा तो वो आ जाएगा y log y इज इक्वल टू माइनस 0.10155 ठीक है y इक्वल टू सॉरी log y इक्वल टू अब यहाँ पे मेरे को माइनस वन प्लस वन लेना इसके लिए टेकिंग माइनस वन प्लस वन यहाँ पे माइनस वन प्लस वन लिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया माइनस 0.10155 माइनस वन को लिखूँ 12 1 एक में से इसको घटाऊँगा ठीक है चलो अब इसको ऐसे ही रहने दो माइनस ठीक है एक मिनट से बढ़ाएंगे तो आएगा 0.89845 log y log y इक्वल टू 12.89845 ठीक है इसको माइनस में इसको मतलब माइनस वाला तो प्लस बार में इसको प्लस हो जाएगा दशमलव का ठीक है। अब हम यहाँ से लॉग हटाते हैं यहाँ क्या लगता है एंटी लॉग 12.89845 अब एंटी लॉग देख लो 0.89 का 84771 89 का 8 मिनट हो जाएगा तो 12 1 तो 0. क्या आंसर आया चेक करते हैं 7904 आएगा ठीक है हाँ 0.7914 आंसर आ जाएगा बार बना तो 0. ठीक है क्वेश्चन नंबर 24 है ना एक्सरसाइज सी है ना 6.45 to the power 3 इंटू 0.00034 पावर 1/3 डिवाइड में दिया हुआ ठीक है वह क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको 6.45 to the power 3 इंटू यहाँ दिया 0.00034 टू द पावर 1/3 ठीक है क्वेश्चन देखने का जो तरीका ना मेरा उसको तो देखना ठीक है 9.37 डिवाइड में है ना इसका पावर है 2 इंटू 8.93 टू द पावर 1/4 क्लियर ठीक है लेट y इक्वल टू फिर से एज इट इज इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिए हम लोग ठीक है फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख दिए अब y को लिखेंगे यहाँ पे लॉग y इक्वल टू फिर से लॉग लिख के इस
क्वेश्चन में पूरा एज इट इज, यहाँ पे इस, यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे भी वही, ठीक है। 6.45 to the power 3 into 0.00034 टू द पावर 1/3 डिवाइड बाय 9.37 टू द पावर 2 into 8.93 टू द पावर 1/4 या पॉइंट वाले कुछ नहीं, तो जीरो लगा दो आप, ठीक है। अब हम लोग लॉग अंदर लेके जाते हैं, लॉग अंदर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग 6.45 जो पावर में 3 है वो सामने आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसा दिख रहा है तो माइनस प्लस, ठीक है, 1/3 सामने पावर में, तो 1/3 लॉग 0.00034। अभी डिवाइड में है दोनों, तो माइनस का साइन डाल दो, और डिवाइड में दो चीज़ें हैं, दो डिजिट है, तो बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो आप, ठीक है। अब इसको लॉग 9.37 पावर में जहाँ पे 2 था वो सामने, फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस 1/4 लॉग 8.93, क्लियर। चलो ठीक है, ये देखते हैं अब हम लोग, लॉग y इक्वल टू ये 3 का 3 इंटू दशमलव, से पहले आप एक संख्या है तो 0, 64 का 5 देखते हैं। चलो ठीक है, देखो 64 का 5 लॉग टेबल देखते हैं, दशमलव है ना, 64 का 5 ये 64 है लॉग टेबल में, 64 का 5 8096, ठीक है, 8096 1/3 का 1/3 इंटू, अब यहाँ दशमलव के बाद 3 जीरो है, मतलब इधर देखना ध्यान से ना, दशमलव के बाद 3 जीरो है, मतलब माइनस 3 में है, माइनस 3 में अगर हम लोग एक माइनस कम करें तो क्या जाएगा, माइनस 4, या फिर ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे दशमलव के पहले 3 जीरो, इधर 1 जीरो, टोटल 4 जीरो, तो 12, 4। वैसे रूल ये होता है कि दशमलव के बाद इधर 3 जीरो है, मतलब माइनस 3 है, एक कम करें तो क्या हो जाएगा, माइनस 4। तो बार में लिख दिए, 34 का 0 देख लेते हैं, चलो 34 का 0 ये 34 का 0 5315, ठीक है। माइनस 2 का 2 दशमलव पहले एक संख्या है, एक है तो एक कम करेंगे, माइनस करेंगे तो 0 जाएगा। 93 का 7 है ना, 93 का 7 देखते हैं, ये 93 का 7 ये है 9717 प्लस 1/4 दशमलव पहले एक संख्या है तो 0, 89 का 3 ये हो गया आपका 89 का 0 1, 2, 3 9509, ठीक है। अब करना क्या, इसको आप 4 से डिवाइड करो, उसको 2 से गुणा करो, ठीक है, फिर करते जाओ। चलो मनीष आप इसको करो पहले, ये लो लॉग y इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2.4288, ठीक है। 1/3 का 1/3 है, इसको 12 वाला ना, 12 वाला चेंज करते क्या था, माइनस 4 प्लस 0.5315, ये अभी नहीं होगा सॉल्यूशन, को रहने दो, इसको करो 2 से मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, ठीक है। अब इसको 4 से भाग दे दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना है, 1.9434, इसको 4 से भाग दे दो आप लोग, चार से भाग दी गुणा, ठीक है, इसको 4 से भाग दोगे तो 0.237725 आ रहा है, ठीक है। अभी देखो ये 1/3 का 1/3 इसको क्या किया था हम लोग, 12 में तोड़ दिए थे, 12 वाले को माइनस में, दशमलव बाद वाले से प्लस में, कैलकुलेटर में 10 पहले प्लस वाला लो और उसमें से 4 को घटाओगे आप लोग तो -3.4685 आएगा। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो आप, माइनस प्लस माइनस 1.9435
थ्री फोर, ब्रैकेट ओपन कर दिए, माइनस प्लस माइनस 0.237725, ब्रैकेट ओपन कर दिए हम लोग, ठीक है। लॉग वाई इक्वल टू 2.4288 प्लस माइनस माइनस, तीन से इसको डिवाइड कितना आया 0.1 प्लस माइनस का माइनस 1.5616666 आते जाएगा ना, तो राउंड फिगर 67 लिख देते हैं, ठीक है। ये इतना आएगा आपका, ठीक है। अब माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 1.9434 माइनस 0.237725, ठीक है। अभी सब कुछ प्लस माइनस कर देते, प्लस में है, ठीक है, तो 2.4288 प्लस, ठीक है, माइनस में 1.1 1.1 5 6 1 6 7, ठीक है, माइनस 1.9434 माइनस 0.237725, तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे log y इक्वल टू माइनस 0.908492, ठीक है। log तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं टेकिंग माइनस वन प्लस वन, इसको बार में चेंज करने के लिए माइनस वन प्लस वन लेते हैं हम लोग, है ना। तो log y का log y यहाँ पे माइनस वन प्लस वन लगा दी किसके, इसके सामने में माइनस 0.908492, ठीक है। log y इक्वल टू अभी माइनस वन का माइनस वन, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस 0.092 1508, ये आएगा। एक बार चेक करते हैं कैलकुलेटर में हम लोग, ठीक है, इस एक में से तो घटाएंगे, ठीक है, 1 माइनस 0.908492, 0.091508, सही है। अब इसको बार के रूप में लिखें तो क्या जाएगा, बार 0.091508, ये log y। अब यहाँ से log हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, एंटी log, देखो 09 का 18 देखो, बार 1.091508, 09 का 1 मीन डिफरेंस 5, y इक्वल टू एंटी log देखते 09 का, 09 का 1 मीन डिफरेंस 5, ठीक है। ये हमारा आ गया 09 का 1 ना, 09 का 1 आ गया 1233, ठीक है, मीन डिफरेंस 5 का 1 है, ठीक है, डबल 3 का डबल 4 हो जाएगा, डबल मतलब 3-4 हो जाएगा, ठीक है, तो 1234 आ जाएगा, 33 थे तो 1 जोड़ दिए, बार 1 है तो 0. ये हमारा आंसर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कम्प्लीट।